हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो हम तुम स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि किस करने के बाद यीशु जो है बेड पर से खड़ी हो जाती है और राबिया वॉशरूम में भाग जाती है। राबिया मन में सोच रही होती है, यार ये क्या हो गया, क्या सोच रहे होंगे वो। और इधर यीशु बहुत पछता रही होती है। वो अपने आप से कहती है कि यार ये मैं क्या करने वाली थी राबिया के साथ, यार क्या किया ये मैंने, क्या सोचे कि वो मेरे बारे में, मुझे खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं रहा, पागल हो गई हूँ क्या मैं, कुछ भी सोच करती रहती हूँ, यार सोचती क्यों नहीं हूँ। और इधर राबिया पहले तो पछताती है और फिर उसके होठों एक स्माइल आ जाती है। जैसे ही अपने होठों को छूती है यीशु की, वो होठों की छुअन चाहे वो एक सेकंड की ही क्यों ना थी, वो उसे याद आने लगती है और उसे बहुत अच्छा फील होने लगता है। और अंदर ही अंदर कहती है क्या हुआ था अभी हम दोनों के बीच, इतना सुकून भरा था। इधर यीशु परेशान होती है तो वो रूम से बाहर आ जाती है और टेरेस पे चली जाती है। वहाँ जाकर वो सृष्टि को कॉल करती है। सृष्टि कॉल उठाती है यीशु का नंबर देख के, कहती है हेलो। तो यीशु थोड़ी देर शांत रहती है। बहुत देर बाद वो कहती है हेलो क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, नहीं कुछ नहीं, तो तुम्हारी आवाज़ में इतनी खुमारी क्यों है, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, सृष्टि समझ जाती है तो कहती है कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है। तो बोलते कुछ नहीं है, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कॉल कर लूँ तुझे। सृष्टि कहती है झूठ मत बोल, तेरी आवाज़ से नहीं लग रहा, तुझे मेरी कसम है, बता क्या किया तूने, बोलना। राबिया ठीक है ना, क्या किया तूने उसके साथ। कहती है यार वो ठीक है। कहती है एक सेकंड, लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया तूने। कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ही कुछ हो गया है। और इतना मुँह से निकलने के बाद कहती शिट नहीं बताना था। तो सृष्टि कहती है क्या हुआ बता मुझे, तूने मारा है क्या उसे। यीशु कहती नहीं मारा यार, उसको मारती रहूँगी क्या, अब तो वो मुझे मारती है। सृष्टि बोलती है, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है और कहती है अच्छा फिर क्या हुआ। यीशु बोलती है वो हम दोनों के बीच किस हो गया। सृष्टि बहुत खुश होती है सुन के और फिर कहती है कि गलती से हो गया होगा, सो जा जाकर। तो यीशु कहते राबिया पागल हो गई है, मुझे किस कर रही है यार। सृष्टि कहती है तू भी कर ले, वो कर रही है तो मुझे नींद आ रही है यार, सोने दे, सुबह बात करेंगे। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। यीशु वापस उसे कॉल करती है लेकिन वो अपना फ़ोन बंद करके सो जाती है। यीशु कहती है तुझे तो सुबह बताऊंगी मैं, फ़ोन ऑफ करके सो गई ना तू, तू मिल मुझे, तेरी सुबह खैर नहीं, तुझे सुबह बताती हूँ मैं। और फिर यीशु वहीं ऊपर भटकती रहती है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो नीचे जाए। मन ही मन सोचते यार अपने ही घर में, अपने ही रूम में जाने में इतनी घबराहट हो रही है, हद हो गई है, कैसे कैसे दिन आ गए हैं ज़िंदगी में। राबिया इधर बाथरूम से बाहर आती है, इधर उधर देखती है तो कहती है यार अभी यीशु कहाँ गई, रूम में ही नहीं है। फिर कहती है यार शायद मैंने ज़्यादा कर दिया, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, या अल्लाह बचा ले मुझे, एक लास्ट बार फिर कभी नहीं करूँगी ऐसा। और फिर सोचते हुए वो बेड पर बैठ जाती है, यीशु का इंतज़ार करने लगती है। धीरे धीरे करके वक्त बीत रहा होता है लेकिन यीशु नहीं आ रही होती। करीब 1 घंटा हो जाता है, यीशु नहीं आती तो राबिया रूम से बाहर निकलती है उसे ढूंढने के लिए। इधर उधर देखती है लेकिन वो कहीं नहीं होती। तो वो ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर जाती है तो देखती है यीशु इधर उधर घूम रही होती है, तो उसे देखती है और अपना कदम आगे करती है और फिर पीछे हटा लेती है। कहती है यार क्या बोलूँगी क्या कहूँगी, रहने देती हूँ नहीं जाती, ऐसे कैसे चलेगा राबिया, बात तो करनी पड़ेगी ना, अब ऐसे ये यहाँ कब तक घूमेंगे। और फिर बहुत हिम्मत करके यीशु के पास जाती है और कहती है नीचे चलो। यीशु बोलती है मुझे नहीं जाना, तुम जाओ मैं आती हूँ थोड़ी देर में। राबिया कहती है अभी चलो। यीशु बोलती नहीं ना। राबिया कहती मैं कह रही हूँ ना अभी चलो, मैं भी तो कह रही हूँ ना मुझे अभी नहीं आना, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, तुम जाओ। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, पक्का नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। तो टेरेस पे पास में एक डंडा पड़ा होता है। राबिया उसे उठा लेती है, कहती है अब चल रही हो या नहीं। यीशु कहती नहीं जाऊंगी। कहती है पीछे मुड़ के देखो मुझे ज़रा, पीछे देखो देखो पीछे देखो यीशु मैडम पीछे देखो। तो यीशु पीछे मुड़ती है, राबिया के हाथ में डंडा देखती है, कहती ये क्या है। कहती चल रही हो नीचे या ये अब तुम पे पड़े। यीशु डर जाती, कहती है चल रही हूँ। वो मन ही मन सोचती पागल लड़की है ये, अभी तक हाथ उठाती थी, अभी डंडा भी मार सकती है, कुछ भी कर सकती है, यार इससे भगवान बचाए। और फिर वो नीचे चली जाती है। दोनों रूम के पास आ जाते हैं। राबिया बोलती है चलो अंदर। तो यीशु बोलती नहीं मैं बाहर हॉल में सो जाऊँगी, आपका कोई भरोसा नहीं, मुझे अंदर ले जाकर मेरी इज्जत टूट ली तो। राबिया कहती कैसी फालतू बातें कर रही हो, मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया कसम से यार, अच्छा सॉरी अब मैं पास भी नहीं आऊँगी आपके, पक्का प्रॉमिस, मुझे नहीं पता, मैं बाहर हॉल में सोऊंगी, अब मेरा भरोसा उठ गया है आपसे, मेरी इज्जत खतरे में है बहुत ज़्यादा। तो राबिया हंसने लगती और कहती है तुम ना पागल हो बिल्कुल। राबिया कहती ओके आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगी, लेकिन अंदर तो चलो। यीशु कहती है कि सोफ़ा मेरा है, तुम नहीं सो सकते उस पर। राबिया कहती है अच्छा तुम सो जाओ लेकिन अंदर तो चलो। तो यीशु कहती है जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना तब से बुरा ही हो रहा है, जब हम दुश्मन थे तब सब ठीक था, लेकिन जब से तुम मेरी दोस्त बनी हो मेरी ज़िंदगी भर सॉरी सॉरी जब से तुम मेरी दोस्त बनी हो ना तब से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, पता नहीं यार, इसलिए अब हम दोस्त नहीं हैं, अब हमसे हम दुश्मनी ठीक है। राबिया बोलती है तुम पागल हो गई हो, अब चुपचाप अंदर चलो यीशु। यीशु बोलती है मुझे नहीं जाना, मेरी इज्जत लूट लोगी तुम। राबिया कहती हाय तुम्हारी इज्जत, यीशु ऐसा ना हो हम दोनों को पूरी फैमिली देख ले बाहर, समझ में आया। और फिर चार बातें सुनाए, अंदर चलो, फीवर भी है आपको, चलो सो जाओ जल्दी से। यीशु कहती है उतर गया मेरा फीवर, तुम ना अपने दिमाग का इलाज कराओ जाकर, सुबह पापा से बोल दूँगी आपको दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाएं, बहुत ज़रूरत है आपको इस वक्त, कुछ भी करने लग जाती हो। राबिया कहती है ओह हेलो तुम भी शरीफ नहीं हो, मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लो, तुमने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया है और मुझे बोल रही हो मैं पागल हूँ। यीशु बोलती मैं किसी के साथ कुछ भी करूँ आपको क्या, आप हैं कौन बताओ मुझे ज़रा, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ क्या नहीं करती, किसके साथ क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें घुसने की ज़रूरत भी मत करना, समझ में आया तुम्हें। राबिया कहती घुसूँगी, मेरा हक है, क्या कर लोगी, किसी एक लड़की के साथ रहो ना, इतनी सारी क्यों पाल रखी हैं आपने, हाँ अपने आसपास देखो, कोई एक लड़की आपको मिल जाएगी जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी, आपका साथ देगी, अच्छे बुरे हर वक्त में देगी, खूबसूरत भी होगी, सेक्सी भी होगी, हॉट भी होगी, सब कुछ मिलेगा उसके अंदर, नज़रें तो घुमाओ, ये बार बार हर एक नई लड़की के पास भटकना, क्या आदत है ये, छोड़ो इन आदतों को और एक के साथ ज़िंदगी बिताओ ना। राव्या इनडायरेक्टली यीशु को अपने बारे में कह रही होती है। यीशु तो हमारे यीशु है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। यीशु कहती है कि मैं एक के साथ रहूँ या 100 के साथ, तुम्हें क्यों जलन होने लगी है, तुम अपने काम से काम रखो ना। अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी पता है तो क्या ऐसे कह कह कर बताओगी मुझे? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो, ज़िंदगी मेरी, मैं कैसे भी रहूँ, कुछ भी करूँ, तुमको क्या करना है। राव्या समझती है कि अब बात बढ़ने वाली है, तो कहती है तो छोड़ दो सना सबको, कोई एक रख लो जो सिर्फ आपकी हो और आपसे ही प्यार करे। यीशु बोलते तुमसे तो बात ही करना बेकार है, जा रही हूँ मैं सोने, गुड नाइट। ये कह के वो अंदर रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद राव्या कहती है कुछ भी हो जाए छोड़ना तो पड़ेगा, और मैं छोड़वा कर रहूँगी, मैं तुम्हें इतना प्यार दूँगी, तुम्हें सिर्फ हर जगह मैं दिखाई दूँगी और कोई नहीं, ये वादा है मेरा आपसे। उसके बाद राबिया भी रूम में चली जाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह यीशु ग्राउंड के लिए तैयार होती है और राबिया भी उठ जाती है, वो भी तैयार हो जाती है। दोनों ग्राउंड की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में कोई किसी से बात नहीं करता। स्कूल भी पहुंच जाते हैं, वहाँ भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। लंच ब्रेक में सृष्टि पूछती है राव्या से कि क्या हुआ, तुम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे से। राव्या कहती है बस ऐसे ही। सृष्टि कहती है आप नहीं बताओगी तो आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, यीशु कुछ नहीं छुपाती मुझसे राव्या। तो राव्या कहती है सृष्टि से कहती है कि एक बात बताओ, तुम उसकी दोस्त हो या बीवी जो हर बात वो आपसे आकर कह देती है। सृष्टि कहती है उसकी जान हूँ, ठीक है, और मैं उससे कभी कुछ नहीं छुपाती और ना वो मुझसे कभी कुछ छुपाती है, चाहे वो फिर कैसी भी बात हो। हम बचपन से साथ में एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे से अपनी हर एक बात बचपन से शेयर करते आ रहे हैं, इसीलिए ना वो मुझसे कुछ छुपाती है और ना मैं उससे। राबिया कहती है तुम दोनों की दोस्ती भी कमाल है। तो सृष्टि कहती है वैसे तुम्हें यह करने की क्या ज़रूरत थी, रात को तुमने जो किया इसकी कोई ज़रूरत थी। राबिया बोलती है मुझे नहीं पता कैसे हो गया, सच्ची में यार मुझे ये नहीं करना था, पता नहीं कैसे ये होता गया, मुझे समझ ही नहीं आया। सृष्टि कहती है कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा मत करना, अगर उसको पाना है ना तो एक काम कर सकती हो। तो राबिया कहती है वो क्या, एटीट्यूड दिखाओ उसे, भाव दो। राबिया कहती है क्यों, मैं ऐसा कुछ करूँगी, ऐसा ना हो मेरे पास आने से पहले ही दूर चली जाए। सृष्टि कहती है नहीं होगा ऐसा, दोस्त हो उसकी रग रग से वाकिफ़ हो। तो कहती है मेरे दूर जाने से वो मेरे पास कैसे आएंगी, एटीट्यूड दिखाने से, भाव खाने से तो और दूरियाँ बढ़ जाएंगी ना। सृष्टि कहती है नहीं, कहती क्यों, ऐसा क्यों, तो कहती क्योंकि आज तक उसे किसी लड़की ने एटीट्यूड नहीं दिया, इसलिए जब भी वो आपके पास आए तो उसके 10 बार कहने पर 1 बार रिप्लाई दो, उसके आगे पीछे घूमना बंद करो, उसकी हर बात मानना बंद करो, उसे ये जताना बंद करो कि उसकी नाराज़गी से, उसकी बात ना करने से तुम्हें फ़र्क पड़ता है। मेरा कहने का बस इतना मतलब है, जो सब करती है ना वो करना बंद करो। कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। सृष्टि कहती है तुम जब उसके साथ रहो ना तो अपने बारे में नहीं, उसकी दादा दादी की बातें किया करो। अगर उसके दिल में जगह बनानी है। और दूसरी तरफ जब वो तुम्हारे बारे में या अपने बारे में बात करे तो उसे एटीट्यूड दो, उसकी बातें काटो। उसकी फैमिली के बारे में बात करोगे तो उसके दिल में जगह बनाओगी, और अपनी बातों को उसकी बातों को काटोगी, एटीट्यूड दिखाओगी तो उसके दिमाग में भी जगह बनाओगी। और उसकी बुआ की बुराई तो बिल्कुल भी मत करना, उसे बहुत गुस्सा आता है। राबे कहती है उसकी बहुत उसके दिल में नफरत बढ़ती रहती है उसके मम्मी पापा के खिलाफ। हाँ, इसलिए उसकी बुआ की कोई बात मत करना, उससे वो नहीं समझती। जो उसका दिल करता है वही करती है। मुझे जो समझाना था मैं समझा चुकी हूँ। तो राबे बोलती है ठीक है, बट एक बात बताओ, किन किन लड़कियों से कांटेक्ट है इनका, कहाँ कहाँ बताओगी। तो राबिया कहती है, सृष्टि कहती है चलो टेरेस पे चलते हैं। उसका हाथ पकड़ती है और उसे टेरेस पे ले जाती है। सृष्टि बोलती है सामने दिख रही है वो बिल्डिंग। राबिया कहती है अच्छा वो वाली, कि हाँ। कहती है वो गर्ल्स हॉस्टल है, इस हॉस्टल की आधे से ज़्यादा लड़की का कनेक्शन इशू से है। समझ में आया। और लंच टाइम में अक्सर वो यहाँ जाती है। तो राबे कहती है इसका मतलब इस समय वो यहाँ पे है। तो सृष्टि उसे हाँ में सर हिलाती है। राबे सृष्टि की तरफ घूर के देखती है। सृष्टि कहती है मुझे मत घूरो, तुम्हारा असली टास्क शुरू हुआ है। अब तुम्हें करना ये है कि उसको स्कूल में ही रोक के रखना है, लंच में वहाँ नहीं जाने देना कैसे भी करके। अब वो देखो वो वाला कॉलेज दिख रहा है आपको, वो कॉलेज जो है ना वहाँ भी इशू का आना जाना है, तुम्हें उसको वहाँ भी जाने से रोकना है। और उधर वो ITI वहाँ भी उसे नहीं जाने देना। राबिया कहती है यार इनका तो बहुत दूर दूर तक संपर्क स्थापित है, मैं कैसे रोकूंगी, और ये कैसे जानती है इन सबको इतने अच्छे से। अपन लोग अभी स्कूल में हैं और ये कॉलेज और ITI, मतलब कैसे क्या हो गया ये। सृष्टि बोलती है वो स्पोर्ट्स से है, उसको 3 साल से ज़्यादा हो गया है, और जब वो जाती है कहीं तो इन लोगों से टकरा ही जाती है। फिर इसको वो लोग बोल देते हैं कॉलेज आना, यहाँ आना, वहाँ जाना। फ्रेंडशिप होती है धीरे धीरे, फिर कनेक्शन। और इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ तक है आपको नहीं पता। राबिया वो कुछ भी कर सकती है। शशि कहते और तुमसे भी 2 साल छोटी है वो, ये भी जानती हूँ मैं, लेकिन इन लोगों ने उसे इतना बिगाड़ दिया है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। राबिया कहती है तुम उसको रोकती क्यों नहीं हो इन सब चीज़ों के लिए, गलत है ना ये सब। सृष्टि कहती है इंसान को एक बार किसी चीज़ की आदत लग जाती है ना तो कभी छूट नहीं सकती। मुझे उस टाइम लगा टाइम के साथ चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। मैंने 1-2 बार समझाने की भी उसको कोशिश की, रोकने की भी कोशिश की, बट वो नहीं मानी, बल्कि ये चीज़ें और आगे बढ़ने लगी। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि देख लो, उसे रोकना अब तुम्हारा काम है। और राबिया ऑलमोस्ट मैंने उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है, कहाँ कहाँ कनेक्शन है, कितनी लड़कियों से हैं। तो सोच लो, समझ लो, क्या आपने सही इंसान से प्यार तो किया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जगह दिल दे बैठे हो, क्योंकि इससे प्यार करना और इसके साथ रिश्ते में जाने का ट्राई करना आपको हर दिन तोड़ेगा, हर दिन आपका दिल दुखेगा, हर दिन आपको तकलीफ़ होगी। तो सोच लो और समझ लो, क्या उसे संभाल पाओगे, उसे रोक पाओगे, उसे समझा पाओगे? अगर हाँ तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना। ये कह के सृष्टि चुप हो जाती है। तो देखते हैं राबिया क्या करेगी, क्योंकि राबिया काफ़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।